राम राम भाई सारे भाई यहाँ भाई भाई मेथरा भाई दिल कुछ कर सा और अब अपना अगला व्लॉग लेकर आ रहे भाई नशे पा भाई। बहुत से भैया के मैसेज आ रहे थे भाई कि अमेरिका में बहुत ज्यादा नशा है। यस सच्चाई है भाई, बहुत ज्यादा नशा है अमेरिका में, खुला नशा भाई बहुत ज्यादा भाई। बहुत सारे इंडिया ते आओ भाई नशा कराया, बहुत कम भी कराया, बहुत ज्यादा भी कराया, जमे भी नहीं करते, सभी तरह के लोग है भाई। लेकिन भाई एक मैसेज आ रहे थे भाई, एक बंदा भाई डिपोर्ट हो गया नशे के चक्कर में, हो गया भाई। एक नहीं दो तीन लड़कियां ना मैं भी जानू जो डिपोर्ट हो गई, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बुरा मान जाएंगे किसी की भाई, किसी ने कोई गलत काम कर दिया उसकी बात दाबा करा डाया नहीं कर दे, मम्मी समझाए बात तो करा भाई। बहुत सारे भाई नशा करा उड़ा का है तो उन्हें भुगतने भी पड़ा है भाई। देखो गलत काम का नतीजा गलती हुआ है, जब तक चल रहा है चल रहा है, अच्छे लगा है, दारू पी रहे, किलकी मार रहे, नजारा ले रहे, चल रहा है और अपना एंजॉय कर रहा, उसने बहुत अच्छा लगा है। लेकिन जिस दिन कोई गलत काम हो जा तो उसके बाद संभालना बहुत औखो जा भाई, खासकर की बैरली कंट्री में इंडिया में दारू पी का कड़ी डाय पड़ा है, नशे पत्ते करके कड़ी पड़ा रहा है, तो घर के ठह लिया पड़ोसी घेर का बगजा कोई करा है तो यह चल जाए भाई। बैरली कंट्री में चीजा नहीं चलती भाई, कोई पुलिस को फोन कर देगा, पुलिस वाले ठहका सीधी जेल में ले जाएंगे, ना कि वह घर छोड़कर जाते। तो कहीं भाई आवा भाई भाई, बहुत से भाई एक मैसेज, एक भाई का मैसेज आया था कि भी मेरा लड़का नशे करा वो क्या अमेरिका में सेट हो सकता है। भाई 90% तो मैं कहूंगा भी नहीं, नशे करा नहीं हो सकता कामयाब, क्योंकि वहां पे आप उसका नशा चटवाएगा, देखो 2 महीने नशा छोड़ दिया ना कामयाब हो जाएगा भाई। उधर पूरी फैमिली है, रिश्तेदार है, इतने बंदे के कहने थे वो नशा नहीं छोड़ रहा, यहाँ पे आके उसको कोई समझाने वाला कहने वाला भी नहीं मिलने का, तो वो नशा कैसे छोड़ देगा। खुला नशा मिला, काम करेगा हाथ में पैसे आएंगे, हैं? तो बहुत औखा भाई, नहीं हो सकता कामयाब। उसका अपने बच्चे ने अपने पास रखो, नशा ऐसी चीज है जिंदगी बर्बाद करता है, अपने बच्चे ने अपने पास रखो, बढ़िया रहेंगे, बच्चा भी जाएगा पैसे भी जाएगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये रिक्वेस्ट है सारे भाई थे जो ज्यादा नशे कर रहा है। देखो जगह ब्याह शादी में ड्रिंक कर लिए तो चल रहा भी, चल बच्चे आजकल के थोड़े बहुत कर ला है, कोई बात नहीं, वह एक चल जाए। लेकिन जिसका काम ही भी नशा ही करना, बस 24 घंटे नशा ही करना, मानना किसी की, तो मेरे हिसाब से भाई वो कामयाब नहीं है। हाँ कोई न कोई भाई आके हो भी गया होगा भाई, अपनी सोच बदल ली होगी, वह एक अलग बात है, लेकिन आप इस चीज ने सपोर्ट नहीं करते भी कोई भाई बहुत ज्यादा नशा करा कर क्या कहना भी ईमानदार हूं। अमरीका इतने ज्यादा 50-50 लाख रुपया लाएगा बेचा, तो भाई हमारे हिसाब से तो गलत है। 2-3 भाई डिपोर्ट हो गए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता वीडियो में, सिर्फ नशे के चक्कर में। इधर भाई आंधी सार ना वर्क परमिट होता ना कुछ, वर्क परमिट आने में भी 6 महीने से लेकर साल के आसपास लग जाए, तो ना भी नशा करके भाई फिर गड्डी ठहका भर जाए, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, सोच दे नहीं भाई, लड़ाई झगड़े कर ला किसी के ला, कलबा में जान का भी बड़ा चो है ना भाई, जो नशे पत्ते खरा है पूरा, मतलब कि खुद भाई एक समझदार आदमी भी कई बड़ी गलती करता है। जो बंदा नशा पत्ता करा उन्हें तो अपना समझदार भी नहीं कह सकते भी, ओवर नशा करका वो करा ड्राइवरी करा भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव की भाई बहुत बड़ी टिकट है, जिसने लाइसेंस भी हो उसके पास भी उन्हें भी टिकट मिलेगी। लेकिन जिसके पास लाइसेंस नहीं, ना कोई प्रूफ, कोई वर्क परमिट नहीं, सोशल नहीं, कुछ नहीं, तो आपने पता भाई जेल के अंदर ही जाएगा, अंदर जाने के बाद तो वो क्राइम कर दे, बहुत कम चांस होगा कि दोबारा बॉन्ड पड़कर बहाली कर जा, ज्यादा से ज्यादा भाई डिपोर्ट हुआ इंडिया जा भेजा उन्हें। तो सोचो नया नया बंदा आया इधर आया उल्टा काम कर दिया, 5-4 महीने में वापिस पक गया, तो केक मार लिया भाई अपना खोया ही 40-50 लाख रुपया लाए, इंडिया डिपोर्ट हो गया, इतने पीछे का भाई कहीं ते भी ब्याज नहीं पाटता, चगर के भी भाई लोसी कर दिए इतने पीछे। तो भाई मेरा तो ये मानना भाई कि उसना ना भेजो, उधर ही रखो, जे भी कर रहा कम कर रहा ज्यादा कर रहा ठीक है, ना कर रहा वो भी ठीक है, समझ सकू मैं भाई जो फैमिली में मेंबर नशे पत्ते करा वो कहने का कहबे का नहीं रहा, फैमिली की मजबूरी है भाई, रखना भी पड़ा, अपना फैमिली मेंबर है कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन उन्हें इंडिया रखो, इतने पैसे का रिस्क ना लेकर उन्हें वैली कंट्री में ना भेजो। बहुत से भाई इधर जेल में भी पड़े भाई,
हरियाणा के भी पढ़े, पंजाब के भी पढ़े, किसी के साथ कुछ अपन, किसी के साथ कुछ अपन, अपन अलग अलग प्रकार के भाई, लेकिन नशे न लेकर भी कुछ है। जो बंदे जेल में पड़े है नशा करके कोई उन्नीकी कर दी, वो अभी अंदर पड़े, पछताने के सिवा कुछ नहीं भाई। किसी ने सजा भूल गई, कोई ऐसे ही पड़े अंदर, कोई डिपोर्ट हो जाएगा, कोई और डिपोर्ट हो गया, एक दो बंदा डिपोर्ट अभी ताजा भी हुआ एक लड़का। तो मेरा तो यही मानना भाई, जो बच्चे नशे करा लिमिट से ज्यादा बैर, कहना सुनना नहीं मानते, ऊना बहरली कंट्री में ना बेचो, अपने इंडिया में रखो ना भाई। मैं तो सारे भाई तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नशा ना सा भाई। राम राम।